नमस्कारम। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरदर्शभ। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तै यः पश्यति स पश्यति। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा जान। समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिम्। नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक-पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। यथा प्रकाशयत्तेकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षैः च ये विदुर्यान्ति ते परम्। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उस प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।